हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। तो अभी मैंने एक वीडियो बनाया कि आप अपने एक्सेल के सीट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह आप उसको देखने के लिए आप आई बटन पे जाएं और सबसे पहले उस वीडियो को देखें, तब इस वीडियो को देखें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अपने पासवर्ड को भूल गए हैं तो कैसे उस पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं, रिकवर कैसे उस पासवर्ड को तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए चले चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात और बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये हमारी एक्सेल की सीट ओपन है और हम यहाँ पे कुछ टाइप करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ टाइप नहीं हो रहा है, मतलब यह कि यहाँ पे यह प्रोटेक्टेड है। लेकिन अब हमको पासवर्ड भी नहीं पता है कि हम इसको कैसे ओपन करें। मान लीजिए कि हम न तो टाइप कर पा रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सोच रहे हैं बोल ली टेली कंट्रोल, यहाँ पे देख रहे हैं सारे चीज़ें वह हाईलाइटेड नहीं है। अब दोस्तों, इसके लिए हम आपको क्या बताते हैं, इसके लिए आपको एक काम करना है कि मैं जो ये तरीका बता रहा हूँ वह VBA कोड के माध्यम से बता रहा हूँ। इसके लिए अब आपको कीबोर्ड से क्या करना है, अल्ट के साथ F11 प्रेस करना है, कीबोर्ड से अल्ट के साथ F11। जैसे ही आप F11 प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का एक पूरा स्क्रीन खुल आ जाएगा। यहाँ पर आपको जाना है इंसर्ट मेनू पर। इंसर्ट मेनू में जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे मॉड्यूल का ऑप्शन मिलेगा। मॉड्यूल का ऑप्शन खुलने के बाद एक ब्लैंक स्क्रीन खुल जाएगी और यहाँ पर मैं एक कोड दिखा दे रहा हूँ। इस कोड को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद बस कीबोर्ड से क्या करना है, F5 प्रेस कर देना है। F5 प्रेस करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ दे रहा है 1 यूजेबल पासवर्ड है, इतना इतना समथिंग कुछ दे रहा है। लेकिन अब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से कर देंगे क्लोज। और क्लोज करने के बाद अब आप यहाँ पे देखिए कुछ भी टाइप करेंगे और आपका मैटर टाइप हो रहा है। दोस्तों, ऐसे मैं प्रयास करूंगा कि यह कोड जो है मैं डाउनलोड लिंक बना के दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आराम से काम हो सके। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें।